काकोरी में हुई डकैती और हत्या के बाद पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। इस घटना के बाद तमाम नेता मौके पर पहुंचे थे। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गांव पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल जाना है। आपको बता दें कि बदमाशों ने काकोरी के दो गांव में डकैती की वारदात को किया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने डकैती के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और 9 लोगों को घायल भी किया, जिसके बाद एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित किया है। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह की घटना इस गांव में हुई। आरोप प्रधान जी का लड़का कहां से मारा? ये घटना बहुत ही दुखद है, जहां डकैती का रूप ले लिया। प्रधान जी हैं, इनका बेटा चला गया, नया बेटा 19 साल का। जब उसे जानकारी मिली होगी या फायर की आवाज सुनी होगी तो हिम्मत जुटा करके सामने पहुंच गया। बहादुर बेटे की जान चली गई, लूटपाट हुई, बगल के गांव में भी लूटा है, डकैती है, वो तो फायरों के निशान हैं। लोग बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ फायरिंग हुई है, कार्टेज मिले हैं लोगों को। अगर आज के समय पर डकैती हो, हत्या हो जाए और पुलिस दोषियों को न पकड़ पाए, इससे बुरा क्या हो सकता है?